प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में N95 मास्क को दोबारा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा रिसर्च करने के बाद बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल फेस मास्क नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मालूम किया है कि N95 मास्क मुकम्मल तौर पर जर्सीम से साफ किया जा सकता है, और इस अमल से मास्क के काम करने की लायक पर असर नहीं पड़ेगा। पहला तरीका ये है, अगर आपके घर में ओवन मौजूद है तो आप मास्क को 158 फारेनहाइट या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म करें। इससे उस पर मौजूद तमाम जर्सीम मर जाएंगे और आप मास्क को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके घर में ओवन मौजूद नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मास्क को 10 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में छोड़ सकते हैं। इससे उसमें मौजूद तमाम जर्सीम मर जाएंगे और उसको खुश्क होने पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा N95 और सर्जिकल मास्क में फर्क है। ये जो आपको अभी वीडियो में नजर आ रहा है, नीले रंग का सर्जिकल मास्क है। ये वन टाइम यानी के सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाइना में लोगों ने इस मास्क को ओवन में गर्म करने और पानी में उबाल कर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस मास्क को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस अमल के बाद ये मास्क काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ N95 मास्क खरीदने की कोशिश करनी है, ताकि आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फायदा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मजीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें सलामत रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।